हेलो एवरीवन एज यू ऑल नो दिस इज ने हरकत तिवारी सो गाइस वी आर बैक विद अनदर वीडियो रिलेटेड टू सीरीज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट टॉपिक तो पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज गाइस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेक आउट करेंगे आज हम मूव ऑन करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इस पार्ट के साथ राइट मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम सॉरी इंस्टाग्राम नहीं टेलीग्राम ग्रुप जो होगा वो होगा कॉमर्स ग्रुप एस डब्ल्यू एन टी राइट सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो सो नाउ गाइस आज इस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे वो है आपका हर्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ठीक है इन्होंने मोटिवेशन की थ्योरी इन्होंने दी है हमने कल पढ़ी थी मैशलो की थ्योरी आज हम पढ़ेंगे की टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन्होंने देखिए टू फैक्टर दिए हैं मोटिवेशन के लिए मतलब इनके हिसाब से जो मोटिवेशन है वो इन दो फैक्टर से आपका कहीं ना कहीं बना ही बनेगा तो जो थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने टू फैक्टर थ्योरी डेवलप की है मोटिवेशन की

और उसके जॉब को सेटिस्फेक्शन दिलाते हैं वो है मोटिवेटर्स जिसे हम कहते हैं सेटिस्फायर या हाइजीन फैक्टर जिसे हम कहते हैं डिससेटिस्फायर्स ठीक है अकॉर्डिंग टू हाउस वर्क ऑफ़ फैक्टर ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर ठीक है अलग अलग काम करते हैं पहला है मोटिवेटर्स क्या होते हैं जो होते हैं सेटिस्फायर मतलब ये चीज अगर आप एक एम्प्लॉय को देते हो ठीक है इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट के टाइम पे बिजनेस को सेंस करके बोला है तो अगर आप ये चीजें एक तो वो उसको क्या देगा एक सेटिस्फेक्शन देगा ठीक है और फाइनली क्या करेगा उसको मोटिवेट करेगा तो मोटिवेटर आर द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ वर्क इट सेल्फ एंड पार्ट ऑफ द जॉब मोटिवेटर कौन से फैक्टर होते हैं ये वो फैक्टर होते हैं जो आपको जॉब में सेटिसफेक्शन देते हैं या आपको मोटिवेट करते हैं ठीक है और ये जो भी फैक्टर्स हैं वो आपके काम से ही संबंधित हैं आपके जॉब में ही अंदर क्या है उसके पार्ट है उसके वेन प्रेजेंट दे देव पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द मोटिवेशन हाउर देअ में नॉट नेसेसरी लीड्स टू मतलब अगर ये चीजें जो मोटिवेटर्स में जो फैक्टर्स हैं वो अगर प्रेजेंट हैं एक जॉब में तो भाई वो उस जॉब को सेटिस्फैक्टिंग बना देंगे या सेटिस्फैक्ट्री बना देंगे उस जॉब को और इन्हांस कर देंगे लेकिन अगर ये एब्सेंस है तो वो बेसिकली आपको डिससेटिस्फेक्शन जो है वो कॉज करेंगे ठीक है मतलब नॉट नेरी मतलब सॉरी वो डिससेटिस्फेक्शन नहीं जरूरी है कि वो कॉस करें ठीक है अगर है तो पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगे आपके काम पे और नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको भाई डिससेटिस्फाई करेंगे ठीक है वो इन्होंने चीज कही है कौन कौन से फैक्टर्स हैं मोटिवेटर्स में मतलब मोटिवेटर्स में कौन से सेटिस्फायर्स हैं जो आपको ऐसे फैक्टर जो जॉब में है अगर तो वो आपको मोटिवेट करेंगे वो आपको सेटिस्फाई करेंगे और अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि डिससेटिस्फेक्शन होगा हाँ ठीक है आप एक लेवल तक चलोगे ठीक ठाक तो वो फैक्टर्स है पहला अचीवमेंट सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड द एबिलिटी टू अचीव चैलेंजिंग गोल्स मतलब बहुत लोगों को क्या होता है कि उनको लगता है अगर मेरी जॉब चैलेंजिंग है ठीक है या मुझे अगर सेंस है कि मैं उस चीज को अचीव कर लेती हूं तो फिर मैं मोटिवेट हो जाऊंगी उस फैक्टर से तो अगर आपके अंदर अचीवमेंट वाला फैक्टर है आपके जॉब में तो आपको क्या करेगा कि एक मोटिवेशन लाएगा कि हां मैं कर सकता हूं तो फिर आपके अंदर क्या होगा कि आप मोटिवेटेड रहोगे रिकोगनाइजेशन मतलब अगर आप चाहते हो कि मतलब आपके जॉब में अगर रिकोगनाइजेशन वाला फैक्टर है ठीक है आपके काम में रिकोगनाइजेशन वाला फैक्टर है कि आपको लोग अ, मतलब एक्नॉलेज कर रहे हैं अप्रिशिएट करते हैं आपके अचीवमेंट्स के लिए तो वो भी आपको कहीं ना कहीं करेगी मोटिवेट करेगी कि आप अपना बेस्ट दो नेक्स्ट है वर्क इड से मतलब अगर काम कैसा है आपका जो जॉब आप कर रहे हो अगर आपका जॉब का नेचर अच्छा है आपको टास्क इंटरेस्टिंग मिल रहे हैं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, है अपना क्रिएटिविटी ला सकते हो अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो तो भी आपको ये फैक्टर क्या करेगा मोटिवेट करेगा मतलब मतलब बहुत लोगों की होती है ना जॉब बहुत कॉम्प्लेक्स होती है तो दे गेट वेरी टायर्ड एंड दे गेट फ्रस्टेटेड ऑफ देयर जॉब एंड दे आर नॉट मोटिवेटेड एट ऑल बट अगर आपके जॉब इंटरेस्टिंग है देन यू विल बी मोटिवेटेड बाय दैट सो ये है आपका वर्क इट नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सेंस है और आपका काम पे कितना कंट्रोल है ये चीज भी आपके मोटिवेशन में आएगी मतलब ये चीज भी एक फैक्टर है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आपके जॉब में फैक्टर है ठीक है तो यह आपको कहीं कही ना कहीं क्या करेगा मोटिवेशन या पॉजिटिव असर डालेगा आपके मोटिवेशन पे मतलब अगर आपको ऐसी ओनरशिप का सेंस दिया जाए कि हाँ आप भी डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट कर रहे हो आपको भी ऐसा हिस्सा बनाया जा रहा है आपकी वर्क का आपको भी लग रहा है कि हाँ यार मेरी मेरी इंपॉर्टेंस है और मेरा काम पे मेरी पकड़ है और मैं अपने काम को अपने तरीके से हैंडल कर सकता कंट्रोल कर सकता हूँ मुझे इस तरीके की पावर भी दी गई है मेरे जॉब से रिलेटेड तो ये सारे फैक्टर्स इनके हिसाब से अगर एक जॉब में आप डाल दो तो वो जॉब को ऐसा बना देंगे कि सामने वाला मोटिवेशन से काम करेगा वो उसको मोटिवेट करेगी ये सारी चीजें उसकी जॉब में होगी लेकिन उनके हिसाब से अगर नहीं भी हैं ये सारी चीज़ें तो ऐसा नहीं कि वो डीमोटिवेट कर देगा उसको भाई फिर वो वैसे ही रहेगा जैसे वो है ठीक है लेकिन दूसरे फैक्टर जो उन्होंने हाइजीन फैक्टर वो होते हैं डिसेटिस्फाइड मतलब ये चीज ऐसे है, है कि अगर ये चीज आपके जॉब में नहीं है तो सामने वाला बंदा डिसेटिस्फाइड ही रहेगा वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा

कार वातावरण से रिलेटेड ठीक है कार वातावरण से संबंधित होंगी तो ये अगर प्रेजेंस है तो क्या होगा अगर हाइजीन फैक्टर प्रेजेंट है तो फिर आप डिस नहीं होंगे लेकिन अगर ये एप्सेंस हो गए ना तो आप हो ठीक है इंप्रूविंग हाइजीन फैक्टर कैन एलिमिनेट जॉब सेटिस्फैक्शन बट इट मे नॉट नेसे रिजल्ट इन इंक्रीज मोटिवेशन अगर आप हाइजीन फैक्टर को इंप्रूव करते वो तो हो सकता है जो जॉब डिससेटिस्फैक्शन है वो आप एलिमिनेट कर दो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मोटिवेशन आपका बढ़ जाएगा ठीक है तो देखो हाइजीन फैक्टर होते कौन से पहला सैलरी एंड बेनिफिट सैलरी एंड बेनिफिट क्या है आपके वर्क एनवायरनमेंट का पार्ट है ठीक है आपकी जॉब से रिलेटेड है और अगर ये आप प्रेजेंट है तो अगर अच्छी सैलरी दे रहे हो तो सामने वाला डिसेटिस्फाइड नहीं होगा लेकिन अगर ये एब्सेंट है मतलब तो नहीं आप उसको अच्छी सैलरी और बेनिफिट दे रहे हो तो भाई सामने वाला डिससेटिस्फाइड होगा ही होगा तो सैलरी एंड बेनिफिट मतलब आपको सैलरी उसको सही देनी है सैलरी बेनिफिट जॉब सिक्योरिटी ये सब चीज़ें आपको देनी चाहिए हाइजीन फैक्टर है अगर आप नहीं दोगे तो भाई सामने वाला डिसेटिस्फाइड रहेगा वर्किंग कंडीशन अच्छी वर्किंग कंडीशन कंफर्टेबल वर्किंग स्टाइल सेफ्टी क्लीनलीनेस ये सारी चीज़ें एक वर्कर को आपको देनी होगी अगर आप देते हो तो भाई वो सेटिस्फाइड रहेगा और नहीं देते हो एब्सेंट है तो वो तो डिसेटिस्फाइड होगा वाले में क्या था कि अगर absent है तो जरूरी नहीं कि वो हो Present है तो भाई वो motivated है रहेगा यहां भी है कि अगर ये भाई कौन वर्कर चाहेगा कि आप उसको गंदी तरीके से गंदे जगह पे काम कराओ उसको वो नहीं करेगा चाहिए ऐसा नहीं कि वो अपनी रिस्क करके लाइफ आपके लिए पैसे कमा के देगा तो वो नहीं होना चाहिए नेक्स्ट है कंपनी की पॉलिसी चाहिए और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके से लागू हो ऐसा ना हो कि आप कुछ के साथ बायस्ड हो कुछ के साथ सही हो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट है सुपरविजन आपका अच्छा होना चाहिए अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए सुपरवाइजर्स के साथ आपके वर्कर्स के अच्छे से सुपरवाइज़ करना है आपको अच्छे से गाइड करना है उन्हें अच्छे रिलेशन होने चाहिए पॉजिटिव इंट्रैक्शन होना चाहिए टीम मेंबर्स का सुपीरियर्स का सबॉर्डिनेट का आपस में एक दूसरे के साथ अगर ये सारी चीज़ें जो जॉब के पार्ट है एक इन्वामेंट का पार्ट है अगर ये सब चीज़ें एप्लीकेबल हैं आप ला के दे रहे हो अपने वर्कर्स को तो भाई वो खुश रहेंगे और नहीं है तो फिर वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे रहेंगे आपको भी लगेगा भाई आपको कोई मैं जॉब दूँ आपको सैलरी अच्छी नहीं दे रही हूँ अच्छा काम का इन्वायरमेंट नहीं है आपका ठीक है आपको मैं जरा कोई हेल्प नहीं कर रही हूँ ना आपको गाइड कर रही हूँ ना मेरे आपके कोई रिलेशन है तो आप क्या होगे खुश हो जाओगे नहीं होंगे डिससेटिस्फाइड हो गई आप आने वाले दिनों में जॉब छोड़ने का ही डिसीजन ले लोगे तो ये होगा क्या हाइजीन फैक्टर्स वो क्या थे आपके वर्किंग वो वाले थे आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स ठीक है मोटिवेटर्स सो मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर्स ये दो फैक्टर्स इन्होंने बोले थे जिसे कहते हैं टू फैक्टर थ्योरी ऑफ हर्ट्स पर जो हमने डिस्कस की है मोटिवेशन की कि मतलब ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो जॉब में अगर हैं तो वर्कर्स को क्या करेंगे मोटिवेट करेंगे नहीं है तो डीमोटिवेट या उसको डिससेटिस्फाई कहीं ना कहीं कर देंगे तो हर्षवर्क ने टू फैक्टर थ्योरी दी जो ऑर्गेनाइजेशन को कहती है कि आप भाई इन दोनों मोटिवेटर्स पे फोकस करो और हाइजीन फैक्टर्स को पे फोकस करो ऐसा एनवायरनमेंट दो भाई जो जॉब सेटिसफेक्शन दे और मोटिवेट करे सामने वाले को ठीक है हाइजीन फैक्टर्स पे ध्यान देना है आपको ताकि लोग डिसटिस्फाइड ना हो तो ये सारी चीजें उन्होंने कही है बेसिकली हर्ष ने आई होप आप समझ पाए स्पीड ज्यादा लगी होगा तो so प्लीज़ उसको स्लो डाउन करेंगे स्पीड सेक्शन से राइट right? uh, वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे थैंक यू